नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको दिखाऊंगा, ये जियो का फ़ोन है F300B। इसमें दिक्कत ये है कि हैंग ऑन लोगो है, ये जो है सिर्फ जियो तक ऑन हो रहा है और उसके बाद कंप्लीट ऑन नहीं हो पा रहा है। तो इसकी मुझे फ्लैशिंग करनी है, मैं इस वीडियो में आपको फ्लैशिंग करके दिखाऊंगा। आप मेरी वीडियो पर बने रहिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्लैशिंग से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं बनाऊँ उनका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँचता रहे। तो बने रहिए मेरी वीडियो पे, मैं आपको इसकी फ्लैशिंग करके दिखाऊंगा परफेक्ट तरीके से, ये कंप्लीट ऑन होगा मोबाइल। तो इसके लिए करना क्या है, हमें सबसे पहले तो इसकी फाइल हमारे पास डाउनलोड होना चाहिए। फाइल डाउनलोड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल पर जाकर सर्च मार सकते हैं सीधे जियो F320 की फ्लैश फाइल डाउनलोड। जब डालेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स निकल के आ जाएंगी, जिनमें से आप कोई भी एक चुन सकते हैं और उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है फाइल मेरी डी ड्राइव में, लाइफ फोल्डर में पड़ी हुई है जियो F320 नाम से। तो मैं इस फाइल में क्या करूँगा, सबसे पहले टूल को ओपन करूँगा, और टूल ओपन करने के बाद जो है अपनी फाइल को सिलेक्ट करूँगा। ये टूल ओपन हो रहा है, टूल ओपन हो गया है। अब मुझे फाइल सिलेक्ट करनी है डाउनलोड में जाके, लोड में जाके, लोड पे क्लिक कर दीजिए। फाइल का वो निकल के आ गया, लेकिन मुझे लोकेशन वही लेनी है जहाँ मेरी फाइल पड़ी हुई है। तो मेरी जैसे कि डी ड्राइव में है, तो डी ड्राइव में पहुँचूँगा मैं लाइफ के फोल्डर में जियो F320 में। ये देखिए यहाँ से ये लाइफ का फोल्डर आ गया, इसमें F320 की फाइल को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये प्रोग्राम की फाइल है, फिर दूसरी रिप्रोग्रामिंग की फाइल है, और तीसरी पैच फाइल है। इन तीनों फाइलों को सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे करना क्या है, जियो मोबाइल को बूट देते हुए डेटा केबल को कनेक्ट करना है। देखिए बूट देने के लिए स्टार दबाना पड़ेगा, स्टार बटन दबाने से जियो फोन में, ये F320 के लिए बूट की है, ये स्टार की जो है जियो F320 की बूट की है। ये बूट जैसे ही दबाएंगे हम देखो तुरंत कॉम्पोर्ट बना देगा ये हमारा सिस्टम। ये कॉम्पोर्ट बना, देखिए कॉम्पोर्ट बन चुका है, हमारा मोबाइल हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना, डाउनलोड एजेंट पे क्लिक करना है और हमारी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है हमारी, बने रहिए मेरे वीडियो पे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और हाँ, अगर आपने मेरे वीडियोस को, मेरे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास सीधे पहुंचते रहेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई कमी रह गई है तो कमेंट करके बताइएगा, इससे कि मैं अगली वीडियो में उस कमी को सुधार सकूं। देखिए फ्लैशिंग हैज़ बीन डन, फ्लैशिंग फिनिश्ड हो चुकी है हमारा, हमारा जो है सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली मोबाइल फ्लैश हो चुका है, मोबाइल पे फाइल पूरी चढ़ चुकी है। अब देखिए ये मोबाइल ऑटो रिबूट हो चुका है, ये मोबाइल ऑटो रिबूट हो चुका है, थोड़ी देर में कम्प्लीटली खुल जाएगा।
ये थोड़ा देर लेगा, क्योंकि ऐसा है जब जब भी हम फ्लैशिंग करते हैं तो मोबाइल ऑन होने में थोड़ी देर लेता है, क्योंकि थोड़ा टाइमिंग लगती है सारे एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने में और फिर उनको अपडेट करने में, फिर उनको ठीक से ओपन करने में देर लेती है कोई भी डिवाइस से। तो ये देखिए कम्प्लीटली फ्लैश हो चुका है और ये ओपन आ चुका है, इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करने को बोल रहा है, लैंग्वेज हम सेलेक्ट करेंगे और ये हमारा मोबाइल आगे बढ़ जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे मेरी बनने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सीधे पहुँचता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।